आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पोलन एलर्जी। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में हर साल अप्रैल और मार्च के सीज़न में बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी हो जाती है। पोलन्स बेसिकली जब बाहर के मौसम में फूलों से उनकी ग्रोथ का टाइम होता है तो उनमें से छोटे छोटे बारीक रेशे जो हैं वो हवा में मुअल्लक हो जाते हैं और कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। यहाँ पे ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एलर्जी किस तरीके से हमारे जिस्म में कार आमद होती है। एलर्जी जो है वो बाहर से आने वाली नापसंदीदा जो स्टिमुलेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी कुव्वत मुदाफियत का रिएक्शन है। बाज़ अकात ये रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और वो एलर्जी की बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिन लोगों को पोलन एलर्जी होती है उनमें जो मामूली सिम्टम्स हैं उनमें नाक बहना, हलक में ख़ारिश होना और सांस के और मसाइल, लेकिन जिन लोगों को ये मसला बड़ा हो जाता है और पुराना हो जाता है उनके अंदर जो है वो दमे जैसी कैफियत भी हो सकती है। पोलन एलर्जी से बचने के लिए पहला तो किसी भी चीज़ की एलर्जी से बचने का तरीका ये है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, और दूसरा ये है कि जिन एरियाज़ में इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे किसी ज़माने में मलबरी ट्रीज़ प्लांट किए गए थे जो कि यहाँ की लोकल स्पीशीज़ नहीं है दरख्त की, और उससे बहुत सारा पोलन जो है वो सीक्रेट होता है। तो एक तो जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है जो एलर्जिक लोग हैं वो उन एरियाज़ में ना जाएँ और उसको अवॉइड करें जहाँ तक कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप ऐसे एरियाज़ में मूव करें तो मास्क का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का, जिससे नाक और मुँह आपका कवर्ड हो और वो इस रास्ते से आपके सांस में ना दाखिल हो। अगर अलामात जो हैं वो आपको ज़्यादा हों तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसके लिए ऐसी दवाइयाँ और इन्हेलर या पंप मौजूद हैं जिनसे आप इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।